हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाला ट्रेंड हमें क्या बता रहा है निफ्टी में, और कहाँ से ये शुरू हुआ था और कहाँ पे आ गया है, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और कहाँ तक जा सकता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले लाइक से सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये एक रेंज में था, करीब 17 से लेके फरवरी में, जो इसका ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ दोबारा, और अपना कोरोना का टाइम जब पीरियड आया उस रेंज में एक लो बनाने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो गया। वी शेप रिकवरी इनने पूरी अपनी करी, करने के बाद अब ये यहाँ पे रुक नहीं पाया और ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद बहुत अच्छा मूव दिया। मूव देने के बाद फिर ये करीब 1.5 से 2 साल अपनी इस रेंज में रहा। इस रेंज में रहने के बाद यहाँ पे बाइंग आई। बाइंग आने के बाद फिर ऊपर की तरफ अपनी जर्नी ने स्टार्ट करी। स्टार्ट करते करते इस रेंज में करीब 6 से 9 महीना बिताया। बिताने के बाद फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दिया, और इसके बाद हमारा जो ऊपर तक गया करीब 15 से 16% ऊपर तक हमारा गया। अब क्या हुआ है, एक रेड कैंडल बनी है और उसमें अप डाउन ट्रेंड तक की वो हो गई। एक बार मैं 1 डे पे आपका 1 डे का चार्ट पे लगा लेता हूँ। लगाने के बाद ये जो 6-7 महीने का जो टाइम बीता, ये जो उस टाइम के बाद ये ऊपर की तरफ ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद ऊपर एकदम से गया। जाने के बाद फिर एक बार नीचे आया यहाँ पे, और इस रेंज से ये गया ऊपर अपना सपोर्ट तोड़ के, फिर नीचे आया उसी रेंज तक, फिर ऊपर की तरफ अपना एक हाई बनाया करीब 26,277 का 7-7, और इसी रेंज में आके कहीं रुक गया है। एक बार ये हटा देता हूँ, और इसी रेंज में आके ये रुक गया है, करीब इसी रेंज में आके ये रुक गया है। लो बनाए थे और 1, 2, 3 दिन बाद उसी रेंज में है और वेट कर रहा है अपना ऊपर और नीचे जाने का, ये कहाँ जाएगा। और ये रिसेंटली एक रेंज बनेगी, उसके बाद इस रेंज की पूरी रेंज में ऊपर की तरफ 25,251, नीचे की तरफ 24,680 के आसपास, 70 के जब ये नीचे आएगा, अगर इस रेंज से भी नीचे आता है तो अपना एक ये यहाँ तक आ सकता है अपना इस रेंज तक, जो इसके लास्ट लेवल के दो सपोर्ट थे यहाँ तक, ठीक है, अपने लास्ट लेवल तक यहाँ तक आ सकता है। क्या 24,000 और 23,950 आ सकता है अगर इसने नीचे तक आने की कोशिश करी तो, ठीक है। और अगर हम देखें ये चार्ट में आने के बाद, अब यहाँ से ये डिसाइड करेगा अगर ये हुआ नीचे की तरफ की, मैं पहले बात कर लेता हूँ फिर ऊपर की तरफ की बात करेंगे। अगर ये हुआ यहाँ से, अगर ये नीचे दोबारा आता है इस रेंज में आने के बाद, यहाँ का सपोर्ट लेता है, लेने के बाद ऊपर की तरफ ट्राई करता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, दोबारा नीचे आता है, तो इस सिचुएशन में मैं अपने पोर्टफोलियो में से भी जो होता है ना पोर्टफोलियो, उसमें से भी अपना 10-15% हटा दूं एलोकेशन इस सिचुएशन, क्योंकि इसके बाद इसका नहीं पता कि ये कितना आ सकता है। कुछ टाइम के लिए अपनी जो क्या कहते हैं अपनी जो स्विंग ट्रेडिंग की जो पोजीशन होती है वो भी काटनी पड़ सकती है अगर इस सिचुएशन में आता है, क्योंकि फिर वो आराम से करीब 22,800 के आसपास आ सकता है, और ये तो बहुत वैसी वाली सिचुएशन है। और अगर हम देखें नीचे की तरफ का, सॉरी नीचे की तरफ का देखें, तो अभी करीब 5% तक नीचे आया है ओनली, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ इस लेवल तक आता है तो ये इसका करीब 8 से 9% तक की करेक्शन हो सकती है, ठीक है। और इतने ही अगर हम देखेंगे, ज़्यादातर करेक्शन होती है तो इतनी ही होती है, 8 से 9%। अगर ये एकदम से मार के ऊपर ऐसे झटके से ये करा वो करेगा तो थोड़ा सिचुएशन अलग होगी बिल्कुल।
अगर धीरे धीरे करता और यहाँ से काटने के बाद नीचे आ जाता है तो थोड़ा अलग सिचुएशन हो सकती है। तो ये हमने करी अभी, हमने नीचे की बात, नीचे जाएगा तो क्या? और हमें क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हो सकता है, तो करीब इस हफ्ते ये इसी रेंज में कहीं पे बिताए, करीब ऊपर की इस रेंज में, मैं आपको एक बार ऊपर की इसी रेंज में, करीब इसी रेंज में अपना पूरा हफ्ता, ये पूरा हफ्ता बिता ले, पूरा हफ्ता तो नहीं बिता, नहीं बिताएगा भी, तो इसी रेंज में रहे, रहने के बाद ऊपर की तरफ जाए, और जब इसने अपना 25,650 और 60 ऊपर की तरफ जाने लग जाए, और यहाँ काटने के बाद सबस्टेन कर जाए ना, यहाँ पे इस मूव पे 700-800 के पास सबस्टेन करने पर जाए, फिर ये अपना ऊपर का थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज जिस तरह की सिचुएशन है, मार्केट लग रहा है कि आप देखोगे ना, उस लास्ट जो फॉल आए थे, एक फॉल आया जब भी रिकवर हो गया जब भी रिकवर हो गया, उसी तरह से अगर इसी रेंज में टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ जाए तो अपने दोबारा हाई तक एक बार और आ सकता है, और यहाँ पे आके रुक रुक सकता है, दोबारा एक बार रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, कोई नॉर्मली सी बात हो। तो ये हमारा एक निफ्टी के लिए व्यू बना हुआ है, और इसी तरह से हम निफ्टी में, तो अब हम कुछ ही दिनों के लिए ट्रेड कर सकते हैं, करीब कम ही सेशन बचे हुए हैं, तो कुछ ही दिन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ऊपर की तरफ ये यहाँ पे 26,000 की तरफ दोबारा जा सकता है, अगर इस रेंज में एक तो हफ्ता बिता ले, और इस हफ्ता बिताने के बाद ऊपर की तरफ स्टार्ट करने लग रहा है, तो दिवाली हमें लग रहा है कि पॉजिटिव में हो सकती है। और नीचे की तरफ अगर ये इस वाले सपोर्ट को तोड़ के और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है और फिर तोड़ता है तो मैटर खराब हो सकता है। इस सिचुएशन में हम यहाँ पे कुछ अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ऐसा साइकोलॉजी पॉइंट भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब डरे हुए हैं, अगर सब सेल करेंगे तो मार्केट हो नहीं सकता कैसे। अगर हम अपनी आरएसआई भी देख लें तो भी ये 41 पे है, अभी ओवर वैल्यू नहीं है, तो अगर हम इस पे देखें तो ये करीब 80 पे आ गई थी, ज़्यादा का जब जब 80 पे आती है आसपास, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट कर ही देती है अपने आप को, आई थोड़ा कर लिया और अब करीब 36 पे है वन डे की। अब हम इसको देख लेते हैं वीकली की कितने पे है, वीकली पे भी 59 पे है, तो ठीक है अभी फिलहाल के लिए। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आप निफ्टी को देख सकते हो और अपना खुद अपना इस तरह से लेवल लगा के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि इस सिचुएशन में ट्रेड मत लेना जब तक एक रेंज ब्रेकआउट ना हो, करीब ये वाली रेंज तो ब्रेकआउट होनी चाहिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूँ इस लेवल तक, तो इससे इसके इस रेंज में तो ट्रेड लेना गलत है कि इस रेंज में ट्रेड ले लो, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो देख सकते हैं हम ऊपर और नीचे तक का एक ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेड लो ना तो ऑप्शन मत लेना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड में कोई प्रीमियम डीके का मैटर होता है। फ्यूचर्स में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, अगर फ्यूचर ले लो, करीब एक आइडिया बना लिया कि हाँ भाई इस रेंज में है, रेंज से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक फ्यूचर, एक दो लॉट फ्यूचर ले लिया हो अगर, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से तो ज़्यादा कैपिटल लगता है फ्यूचर में, एक दो लॉट ले लिया और ऊपर की तरफ का एक वो बना लिया। जैसे कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे कई फ्यूचर ले लिया कि हाँ भाई मार्केट क्या यहाँ पे ले लिया कि भाई कुछ नहीं, मार्केट ऐसे ही गिरा हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, तो उसको अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता था, अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, करीब 9-10% का आराम से मिल जाता। और यहाँ पे भी अगर यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद तुरंत ही एक अच्छा सा मूव ऊपर की तरफ दे दिया 8-9% का, हो वैसे थोड़ा स्विंग ट्रेड करने, थोड़ा स्विंग टाइप का ट्रेड करो, करीब 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इंट्राडे में मुश्किल होता है बहुत तरह से, अगर आप थोड़ा इस हिसाब से करोगे तो अच्छा रहेगा और ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी। ओवरनाइट रिक्स तो रहता ही है, तो उसमें एक ही रिक्स है ओवरनाइट रिक्स, अदरवाइज तो फ्यूचर्स आर गुड, अच्छे हैं फ्यूचर्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।